हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3.8 पार्ट 3। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 18 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर 3.8 पार्ट 1 में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सारे कॉन्सेप्ट समझे। 3.8 पार्ट 2 में हम लोगों ने एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 सॉल्व किए, उसमें भी सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th ऑनवर्ड सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। फर्स्ट पार्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, साइन एक्स इज इक्वल टू 10x। इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो ये साइन वाली टर्म है, ये 10 वाली टर्म है। तो वी कैन राइट दिस 10x एज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और अब इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप सॉल्व कर चुके हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं या हमें आगे कैसे प्रोसीड करना है। दिस साइन एक्स कॉमन ले लें और इस साइन एक्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ, तो कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज जीरो, मीन्स आइदर वन ऑफ देम आर जीरो और बोथ आर जीरो, दैट इज दिस इज जीरो और कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स साइन एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये भी बहुत बार आपको बता चुके हैं। और कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो मीन्स कॉस एक्स इज इक्वल टू वन, एंड वन वैल्यू होती है कॉस जीरो की। तो यहाँ पे तो हम लोग कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एल्फा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एंड इन दिस केस एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस पार्ट में तो हम लोगों ने डायरेक्ट ही अप्लाई कर दिया, यहाँ से तो हमें एक्स इज इक्वल टू एन पाई मिल गया, और यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा इज जीरो, दैट इज दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई और एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई। अब इसमें जरा आप ध्यान दीजिए कि ये जो एन पाई और टू एन पाई है, तो n और 2n की अगर हम बात करें और n इंटीजर की बात करें, तो ये आपके पास इवन इंटीजर हैं, और इवन इंटीजर आपके पास, ये आपके पास ऑल इंटीजर्स हैं। n की वैल्यू जब हम लोग -3 -2 -1 पुट करेंगे, तो ये आपके पास सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे और ये इवन इंटीजर आ जाएगा। और इवन इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, मीन्स इवन इंटीजर आर इंक्लूडेड इन इंटीजर। तो हम लोग कहें कि इंटीजर हैं और इवन इंटीजर हैं, इससे बेटर हम लोग ये कहते हैं कि ये इंटीजर इसका सॉल्यूशन है। मीन्स दिस टू एन पाई इज इंक्लूडेड इन दिस एन पाई, हेयर एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई इज इंक्लूडेड इन एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई इज सॉल्यूशन। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं कि sec square x इज इक्वल टू 1 प्लस 10x। अब थोड़ा सा अगर हम इसे सॉल्व करके लिख लें कि sec square x माइनस 1 इज इक्वल टू 10x लिख लें, एंड वी नो दैट sec square x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 square x, देन दिस वी कैन राइट 10 square x माइनस 10x इज इक्वल टू 0। इस 10x को भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, और यहाँ से हम लोग 10x कॉमन ले लें, देन दिस बिकम 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज अगेन कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज जीरो, मीन्स आइदर वन ऑफ देम इज जीरो और बोथ आर जीरो, मीन्स 10x इज इक्वल टू जीरो और 10x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मीन्स 10x इज इक्वल टू वन। और 10x इज इक्वल टू जीरो, वी नो दैट दिस इज 10 एन पाई, सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, और 1 मीन्स 10 पाई बाय 4। अब यहाँ पे तो आपके पास इसमें तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू एन पाई आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 10x इज इक्वल टू 10 एल्फा, दैट इज x इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट इज x इज इक्वल टू एन पाई एंड एन पाई प्लस पाई बाय 4, n belongs to integer. This is our solution. चलिए क्वेश्चन नंबर 12th देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास cosec square x is equal to 2 cot x. And this we can write cosec square x as 1 plus cot square x. और इस 2 cot x को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, माइनस 2 cot x इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा फॉर्म अब आपको लोगों को दिखनी भी शुरू हो गई होगी कि दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ए की जगह वन और बी की जगह कॉटेक्स, या ए की जगह कॉटेक्स बी की जगह वन, दैट इज दिस वी कैन राइट एज वन माइनस कॉटेक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज वन माइनस कॉटेक्स इज इक्वल टू जीरो. अगर किसी टर्म के स्क्वायर अगर आपके पास जीरो है वो तभी होगा जब वो टर्म इटसेल्फ जीरो होगी. दैट इज दिस इम्प्लाइज कॉटेक्स इज इक्वल टू वन, दैन दिस इम्प्लाइज टेन एक्स इज इक्वल टू वन, दैट इज टेन पाई बाय फोर, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय फोर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर. टेन एक्स इज इक्वल टू टेन एल्फा, देन एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा, n belongs to integer. अब देखिए इसी को हम लोग एक और सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं कि आपके पास यही मेथड आपके उस समय एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो यही मेथड क्लिक करें. आपके पास कुछ और भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और उसमें हो सकता है कि आंसर भी डिफर करे, पर आंसर डिफर करेगा सिर्फ व्यू में, मीन्स वो अलग अलग दिखाई देगा बट एक्चुअली वो सेम होगा. कैसे देखिए, हम कॉसेक स्क्वायर एक्स को वी कैन राइट वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टू, वी कैन राइट दिस एज कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स, एंड दिस इम्प्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. साइन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, टू कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, then this become 2 cos x sin x minus 1 is equal to 0, then this implies sin x and 2 sin x cos x is sin 2x minus 1 is equal to 0, and this implies sin x is equal to 0 or sin 2x minus 1 is equal to 0 means sin 2x is equal to 1. sin x is equal to 0, इसको तो हम डायरेक्ट लिखेंगे sin n pi, और साइन 2x इज इक्वल टू 1, और 1 साइन में वैल्यू होती है साइन पाई बाय 2 की, एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एन पाई और 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन x इज इक्वल टू साइन एल्फा इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n एल्फा, मीन्स 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n पाई बाय 2. That is, this implies x is equal to n pi or x is equal to n pi by 2 plus minus 1 raised to the power n pi by 4. अब इसमें देखिए x is equal to हमारे पास n pi है, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन था that question was cosec square x is equal to cosec square x is equal to 2 cot x. अब अगर हम x is equal to n pi करते हैं तो साइन एक्स हमारे पास जीरो होता है, और अगर साइन एक्स जीरो होगा तो कॉसेक एक्स हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा. मींस इस केस में एक्स इज इक्वल टू एन पाई इज नॉट पॉसिबल, एक्स इज इक्वल टू एन पाई इज नॉट पॉसिबल. देयरफोर एक्स इज इक्वल टू एन पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन पाई बाय 4 इज द सॉल्यूशन. और अब देखिए एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया, दिस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन और ये जो सॉल्यूशन आपके पास आया, बोथ आर लुकिंग डिफरेंट, बट एक्चुअली अगर आप इसकी वैल्यू n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए रखेंगे तो वी गेट द सेम वैल्यू. आप इसमें n इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 पुट करके देखेगा, आपको सेम वैल्यू मिलेगी जो इससे मिलेगी, वही वैल्यू आपको इससे मिलेगी. इसमें यह हो सकता है कि कुछ वैल्यू आपके पास रिपीट करें, पर मोर और लेस आपके पास सेम वैल्यू दोनों से मिलेगी. तो आप अपने एग्जाम टाइम पे कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, उस समय डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपके माइंड में क्लिक किया. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सेकेंड पार्ट है 10x प्लस कॉटेक्स. कॉटेक्स को वी कैन राइट 1 अपॉन 10x इज इक्वल टू 2. दिस वी कैन राइट एलसीएम ले लीजिए 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन 10x is equal to 2, and this implies 10 square x plus 1 is equal to 2 10x. और अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं. प्लस 1 माइनस 2 10x is equal to 0, and this become 10x minus 1 whole square is equal to 0, and this implies 10x minus 1 is equal to 0. किसी भी
नंबर का स्क्वायर तभी जीरो होगा जब वो नंबर जीरो होगा, मीन्स 10x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 1, और 1 वैल्यू होती है 10 पाई बाय 4 की, और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज अवर सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, इसे भी हम लोग इसी तरह से करते हैं कि 10x प्लस cot x इज इक्वल टू 2 sec x है, एंड दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट 10x एज sin x अपॉन cos x प्लस cot x एज cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 2 अपॉन cos x, एंड दिस इम्प्लाइज sin x cos x आप LCM ले लीजिए, then this is sin square x plus cos square x is equal to 2 upon cos x, and this implies 1 upon sin x cos x is equal to 2 upon cos x, and this implies 2 sin x cos x is equal to cos x, and this implies 2 sin x cos x minus cos x इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज साइन कॉस एक्स इसमें से कॉमन ले लीजिए 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो और 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इम्प्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब इसमें एक चीज यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, देखिए आपके पास है 10x, आपके पास है 10x प्लस cot x, 10x मीन्स sin x अपॉन cos x, तो जैसे ही cos x आपके पास जीरो होगा तो ये आपके पास अनडिफाइंड हो जाएगा, 10x मीन्स cos x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो हम इसे यहीं पे लिख सकते हैं कि cos x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज जीरो, मीन्स आइदर वन ऑफ देम इज जीरो और बोथ आर जीरो, तो इसमें cos x आपका जीरो नहीं हो सकता, cos x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट पॉसिबल, क्लियर हो गया आपका। नाउ अब क्या होगा इसमें, अगर cos x जीरो नहीं हो सकता तो क्या होगा, 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो होगा, दैट इज sin x इज इक्वल टू 1 बाय 2, और 1 बाय 2 साइन में वैल्यू होती है sin 30 की, मीन्स sin पाई बाय 6, एंड दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हम साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एल्फा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर एन एल्फा, एल्फा मीन्स पाई बाय 6, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड दिस इज अवर सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट है कॉस 3x प्लस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस 2x इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये cos 3x प्लस cos x है, तो यहाँ पे तो हम cos x प्लस cos y का अगर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो देखिए आपके पास 3x और x है, तो 3x प्लस x आएगा एक टर्म में और एक टर्म में आएगा 3x माइनस x, 3x प्लस x अपॉन 2 एंड 3x माइनस x अपॉन 2, मीन्स एक टर्म मिलेगी 2x की और एक टर्म मिलेगी आपके पास x की, तो ये जो 2x की टर्म है वो इसके साथ एडजस्ट होगी। इस तरह की हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो cos x प्लस cos y का यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2, एंड दिस बिकम 2 cos 3x प्लस x, 4x अपॉन 2 मीन्स 2x, एंड cos x माइनस y अपॉन 2, 3x माइनस x मीन्स 2x अपॉन 2, दैट इज x माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसमें से 2 cos 2x कॉमन ले लेते हैं, देन दैट बिकम cos x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाइज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज जीरो, मीन्स cos 2 तो जीरो हो नहीं सकता, तो cos 2x इज इक्वल टू जीरो और cos x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज दिस इम्प्लाइज cos 2x इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू होती है cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 की, बार बार बता चुके हैं, और cos x इज इक्वल टू 1, दैट इज cos 0, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, एंड और cos x इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 प्लस माइनस अल्फा, दैट इज दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 और 2n पाई, n belongs to integer, this is our solution।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट भी कुछ इसी तरह का है। देखिए इसमें साइन 2x, साइन 4x और साइन 6x है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगेगा एंड दिस इज 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 कॉस x माइनस y अपॉन 2। अब हम 2x और 4x का कॉम्बिनेशन ले या 2x और 6x का लें या 4x और 6x का लें वो देख लेते हैं। तो 2x और 4x का लेते हैं तो 6x एक आएगा हमारे पास 3x की टर्म और एक आएगी हमारे पास x की टर्म और थर्ड टर्म है हमारे पास 6x की। तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो एक 3x और x की और एक 6x की टर्म, तो कॉम्बिनेशन इसका इसके साथ नहीं बनेगा। अब अगर हम लोग 2 और 6x का कॉम्बिनेशन ले लें, 2x और 6x का कॉम्बिनेशन ले लें तो 2x और 6x के कॉम्बिनेशन में हमें मिलेगा 8x अपॉन 2 दैट इज 4x और एक मिलेगा 6x माइनस 2x दैट इज 4x अपॉन 2 2x। अब इस 4x और 2x का हम लोग पेयरिंग कर सकते हैं 4x वाली टर्म के साथ। तो मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि साइन 2x प्लस साइन 6x एक ये टर्म ले लेते हैं और साइन 4x हम दूसरी टर्म ले लेते हैं एंड साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 मीन्स 2x प्लस 6x 8x अपॉन 2 दैट इज 4x और कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 2x माइनस 6x माइनस 4x माइनस 4x अपॉन 2 दैट इज माइनस 2x प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज 2 साइन 4x कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। इसमें से साइन 4x आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0 मींस आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0 और बोथ आर 0 मींस साइन 4x इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन 4x इज इक्वल टू 0 मींस साइन n पाई और cos 2x is equal to minus 1 by 2। अब cos 2x is equal to minus 1 by 2 किसकी वैल्यू होगी, देखिए बहुत बार बता चुके हैं, cos x is equal to 1 by 2, 1 by 2 वैल्यू होती है cos 60 की means pi by 3 की, हमें चाहिए माइनस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं पाई माइनस एक्स का, मीन्स cos पाई माइनस एक्स अगर हम लोग करें मीन्स cos पाई माइनस पाई बाय 3 अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 मिलेगा हमें, कॉस पाई होते साथ ही तो ये कॉस पाई बाय 3 एज इट इज ही आ जाएगा, कॉस और पाई बाय 3 तो एज इट इज आ गया। पाई माइनस पाई बाय 3 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, हमने सेलेक्टिव वो किया जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आए एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस पाई बाय 3 मीन्स माइनस 1 बाय 2 मीन्स कॉस 2 पाई बाय 3 इज माइनस 1 बाय 2। तो दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल टू एन पाई और दिस माइनस 1 बाय 2 इज कॉस 2 पाई बाय 2 पाई बाय 3। तो कॉस x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, x की जगह इस बार 2x है तो 2x इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज 2 पाई बाय 3 दैट इज दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू एन पाई बाय 4 और x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज अवर सॉल्यूशन। अब इसी में देखिए, इसी में एक चीज और देखिए कि जैसे ये आप बताया मैंने आपको कॉस पाई माइनस पाई बाय 3 इज माइनस 1 बाय 2, कॉस पाई प्लस पाई बाय 3 की बात करें अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे भी क्या होगा, पाई होते साथ ही कॉस तो ये कॉस पाई बाय 3 ही रहेगा और पाई प्लस पाई बाय 3 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव दैट इज माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट कि जो आपने ये कॉस 2x की वैल्यू रखी है, कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 मीन्स यहाँ से जो आप चले थे इसे आप कॉस 4 पाई बाय 3 भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने बार बार कहा है कि एग्जाम में आपके उस समय माइंड में क्या क्लिक कर रहा है, डोंट नो, हो सक ये भी सही है और ये भी सही है। तो वी कैन राइट दिस एज 2x इज इक्वल टू कि cos x इज इक्वल टू cos अल्फा, x इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा, इस बार x की जगह 2x है तो 2x इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस अल्फा मींस 4 पाई बाय 3 मींस x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन। मतलब आपके पास यहां पे इस ये लिखिए या ये लिखिए, बोथ आर करेक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इसी का सेकेंड पार्ट है साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। तो फिर से वही देखिए, यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई का हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। साइन एक्स प्लस साइन वाई का इसलिए लगाएंगे, पहले भी बताया था कि एक्स और थ्री एक्स का कॉम्बिनेशन है, फोर एक्स अपॉन टू एक टू एक्स मिलेगा, एक टू एक्स अपॉन टू मीन्स एक्स मिलेगा, और जो रिमेनिंग साइन टू एक्स वाली टर्म है उसका इसके साथ हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन थ्री एक्स माइनस साइन टू एक्स इस तरह से लिख लेते हैं, और यहाँ पे साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन टू एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स अपॉन टू टू एक्स। कॉस एक्स माइनस थ्री एक्स मीन्स माइनस टू एक्स, माइनस टू एक्स अपॉन टू मीन्स माइनस एक्स, माइनस साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज साइन टू एक्स आपके पास कॉमन आ गया इन दोनों टर्म में से, और क्या बचा, टू कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इंप्लाइज साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, और टू कॉस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज साइन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू साइन एन पाए, और कॉस एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू, और 1 बाई टू मैंने अभी आपको बताया कॉस पाई बाई थ्री, एंड दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू एन पाई, और x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। दैट इज दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू एन पाई बाई टू कॉमा टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज अवर सॉल्यूशन। देखिए आप कितने सिंपल हो गए। तो पहले आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को अच्छी तरह से देख लीजिए, कर लीजिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस, फिर ये जो आपके क्वेश्चन है बहुत इजीली होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट है, 7 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया आपके पास, दिस 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। सॉल्व करने पे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 बाय 4, तो 3 बाय 4 को हम लोगों ने लिख दिया रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर, रूट 3 बाय 2 आपके पास साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है। देन दिस बिकम साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, एंड एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी आपको बताया था। देन दिस बिकम एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है आपके पास ये। अब इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस एक्स। तो पहले हम पूरी टर्म को कॉस एक्स में लेके आएंगे, तो 2 वी कैन राइट दिस एज 2 साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 कॉस एक्स। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्स, ये कुछ इस तरह की हो गई, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मींस 4 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए, तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट दिस एज 4 माइनस 1, दैट इज 4 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 2 कॉस एक्स कॉमन, कॉस एक्स प्लस 2 एंड माइनस 1 कॉस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 कॉस एक्स माइनस 1 एंड कॉस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज cos x 2 cos x minus 1 is equal to 0, because cos x plus 2 is equal to 0 is not possible. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि cos x की वैल्यू यहां से आपको माइनस 2 मिल रही है, एंड वी नो दैट cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, देन दिस इंप्लाइज cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2, दैट इज cos पाई बाय 3, एंड दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज अवर सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेम मेथडोलॉजी इसकी भी रहेगी हमारे पास, वी कैन राइट दिस एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स
माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए हमने इसे थोड़ा सॉल्व कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 इंटू 4 12 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आए, तो 6 एंड 2, इसे हम लोगों ने सॉल्व कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। वी गॉट 2 साइन एक्स माइनस 1 एंड 2 साइन एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, आइदर वन ऑफ देम इज 0 और बोथ आर 0। पर ये वाली टर्म आपकी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहाँ से मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, एंड वी नो दैट साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज 2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 2 साइन एक्स प्लस 3 is equal to zero is not possible. Then this implies sin x is equal to 1/2, और 1/2 value होती है sin 30 की, means sin pi by 6, and this implies sin x is equal to sin alpha, then x is equal to n pi plus minus 1 raised to the power n alpha, alpha is pi by 6 and belongs to integer. This is our solution. चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं कि 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सेम मेथड रहेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखिए 2 × 3, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे रूट 3 आए, तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 3 एंड रूट 3, 2 रूट 3 इंटू रूट 3 इज 6, और 2 रूट 3 में से रूट 3 को माइनस करेंगे तो रूट 3 आएगा। तो वी कैन राइट दिस एज माइनस 2 रूट 3 कॉस एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 2 कॉस एक्स यहां से कॉमन, तो कॉस एक्स माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 यहाँ से कॉमन, कॉस एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज 2 कॉस एक्स प्लस रूट 3 एंड कॉस एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इम्प्लाइज 2 कॉस एक्स प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। कॉस एक्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू रूट थ्री मीन्स 1.732 नहीं हो सकती। कॉस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 1। दैट इज, दिस इंप्लाइज कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 3 बाई 2। अब फिर से देखिए, कॉस एक्स माइनस रूट 3 बाई 2 इज कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6। वैसे बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए, कॉस पाई बाई 6 इज रूट 3 बाई 2, और हम लोगों को माइनस रूट 3 बाई 2 चाहिए। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, तो वीक, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस एक्स की हम हेल्प लेते हैं। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 करके अगर हम देखें, तो कॉस पाई होते साथ ही ये कॉस और ये पाई बाई 6 तो ऐसे ही रहेगा, और पाई माइनस पाई बाय 6 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये माइनस होता है, मीन्स माइनस रूट 3 बाई 2। थर्ड क्वाड्रेंट में भी आपके पास कॉस नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज कॉस पाई प्लस पाई बाय 6। इसकी वैल्यू भी अगर हम निकालेंगे तो पाई होते साथ ही ये तो कॉस पाई बाय 6 रहेगा, और पाई प्लस पाई बाय 6 इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव, तो माइनस, मींस माइनस रूट 3 बाय 2। अब आपकी इच्छा है, यहाँ पे आप पाई माइनस पाई बाय 6 लिखिए या पाई प्लस पाई बाय 6 लिखिए, क्वेश्चन जो आंसर आएगा दैट लुक डिफरेंट बट सेम वैल्यू देगा। तो एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस एल्फा, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 मीन्स 5 पाई बाय 6। तो 5 पाई बाय 6 लिखिए या फिर 7 पाई बाय 6 लिखिए, एंड दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस 5 पाई बाय 6 एंड बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज अवर आंसर। तो आंसर में ये भी हो सकता है और यहाँ पे 7 पाई बाय 6 भी हो सकता है, दोनों आपको सेम आंसर देंगे। चलिए एक बार इसको और बताते हैं आपको, कि ये जो मैंने आपको बताया कि 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये थोड़ा सा हम लोग
क्वेश्चन से हट के बात करते हैं, और 2n पाई प्लस 7 पाई बाय 6 प्लस माइनस, ये दोनों सेम आंसर कैसे देखते हैं? अब देखिए, अगर हम लोग बात करें 2n, इसमें से अगर हम पाई हटा दें तो 2n प्लस माइनस 5 बाय 6 ऑफ पाई ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस 7 बाय 6 ऑफ पाई। ओके, तो पाई तो कॉमन ही है दोनों में, तो इसकी वैल्यू देखनी, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो एक तो है 2n प्लस माइनस 5 बाय 6 और एक है 2n प्लस माइनस 7 बाय 6। अब देखिए इसकी वैल्यू सेम कैसे है। अगर हम बात करें 2n प्लस 5 बाय 6 की, तो 5 बाय 6 में अगर हम 7 बाय 6 ऐड कर दें और 7 बाय 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 12 बाय 6 माइनस 7 बाय 6, मीन्स 2n प्लस 2 माइनस 7 बाय 6, मीन्स 2 अगर हम कॉमन ले लें, n प्लस 1 ऑफ माइनस 7 बाय 6। और मैंने आपको बताया था कि n प्लस 1 और n बिलोंग्स टू इंटीजर के लिए बोथ हैव सेम वैल्यूज, n प्लस 1 देख लीजिए या n देख लीजिए। n की जगह अगर हम माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 2, माइनस 1, फिर 0, 1, 2, इसी तरह की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। और यहाँ पे n की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे, माइनस 3 रखेंगे, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3, ये सब वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो दोनों की दोनों वैल्यूज आपके पास सेम मिल रही हैं। तो इट मीन्स कि 2n प्लस 1 को अगर हम n से रिप्लेस कर दें तो 2n माइनस 7 बाय 6, मीन्स क्या हुआ कि जो 2n माइनस, इसमें जो 2n प्लस 7 बाय 6 था, इसमें 2n प्लस 7 बाय 6 भी था और 2n माइनस 7 बाय 6 भी था। तो ये जो 2n प्लस 5 बाय 6 है, ये जो वैल्यू है, इसने वही वैल्यू दी जो आपको 2n प्लस 7 बाय 6 देगा। इसी तरह से 2n माइनस 5 बाय 6 की अगर हम बात करें तो वी कैन राइट दिस एज 2n माइनस 5 बाय 6 माइनस 7 बाय 6 प्लस 7 बाय 6, मीन्स 2n माइनस 12 बाय 6 प्लस 7 बाय 6, मीन्स 2n माइनस 2 प्लस 7 बाय 6, मीन्स ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 प्लस 7 बाय 6। और ये n माइनस 1, अगर n इंटीजर है तो n माइनस 1 हो या n प्लस 1 हो, बोथ विल गिव द सेम वैल्यू। तो 2n प्लस 7 बाय 6, देखिए ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो देखिए इसने तो आपके पास, तो इट मींस व्हाट कि जो आपके पास 2n प्लस 5 बाय 6 था, इसने तो वही वैल्यू दी जो 2n माइनस 7 बाय 6 देता, और 2n माइनस 5 बाय 6, इसने आपको वही वैल्यू दी जो आपको 2n प्लस 7 बाय 6 देता। इट मींस 2n प्लस माइनस 5 बाय 6 एंड 2n प्लस 7 प्लस माइनस 7 बाय 6 विल गिव द सेम वैल्यूज फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ध्यान रखिएगा, n इंटीजर के लिए, n इंटीजर के लिए ही n प्लस 1 और n सेम वैल्यू देता है, नेचुरल नंबर के लिए नहीं देता है, ये होल नंबर के लिए सेम वैल्यू नहीं देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, देखिए क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं। अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। मैटर करता है कि उस समय आपके माइंड में क्या क्लिक करता है। तो एक हम लोगों ने आपको बताया था कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी अगर आपके पास हो, वेयर दिस मॉड सी इज लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए की जगह यहाँ पे 1 है, बी की जगह यहाँ पे 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 2, तो यहां पे जो आपके पास सी है ये लेस देन अंडर रूट ऑफ 2 है। तो इट मींस कि अगर हम इसमें अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगा। अगर इस तरह की कोई टर्म आती है तो इस केस में हम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ये मैंने आपको पूरा प्रूफ बताया था, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट ना यूज करके इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये 1 है यहाँ पे और ये 1 है, तो अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स रूट 2, रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बाय रूट 2 ऑफ कॉस एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ओके, और इस 1 अपॉन रूट 2 को वी कैन राइट कॉस पाई बाय 4 कॉस एक्स, प्लस इस 1 बाय रूट 2 को वी कैन राइट साइन पाई बाय 4 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। ये मैंने बताया था आपको कि ये वैल्यूज जो हैं आपको कॉस की वैल्यू देती है, ये मतलब यहाँ पे हमें कोई एक ऐसा रियल नंबर मिलता है जिसके लिए हमें एक रियल अल्फा मिलता है जो कि हमें साइन की वैल्यू देता है।
ये क्वेश्चन आपको मैंने जब इसका प्रूफ कराया था तो बहुत डिटेल में समझाया था। तो कॉस ऑफ दिस वी कैन राइट कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई इज कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एंड वन अपॉन रूट टू इज कॉस पाई बाय फोर। अब cos x इज इक्वल टू cos अल्फा दैट इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा दैट इज x की जगह है हमारे पास x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मींस पाई बाय 4 दैट इज दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 That is, this implies x is equal to. अब जब प्लस पाई बाय 4 होगा तो क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 4 होगा तो पाई बाय 4 और पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो जाएगा प्लस पाई बाय 2 और जब माइनस पाई बाय 4 होगा तो ये माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 कैंसिल हो जाएगा दैट इज 2n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर दिस इज अवर आंसर। अब इसी को देखिए सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास करने के तो इसी का सेकेंड मेथड देखते हैं चलिए कि cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1 तो cos x प्लस साइन x को वी कैन राइट साइन x को वी कैन राइट cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा और यहां पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं cos x प्लस cos y दैट इज 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 दैट इज दिस बिकम 2 cos x प्लस y अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 तो ऐसे लिख लेते हैं और x प्लस y मींस x प्लस पाई बाय 2 माइनस x cos x माइनस y अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 तो ये लिख लिया x माइनस y तो x की जगह तो x है माइनस y की जगह है हमारे पास पाई बाय 2 और बाहर माइनस होने के कारण ये प्लस एंड दिस इज इक्वल टू 1 तो इस x से तो ये x कैंसिल एंड दिस बिकम 2 cos पाई बाय 4 cos नाउ दिस बिकम 2x माइनस पाई बाय 2 तो 2x माइनस पाई बाय 2 मींस x माइनस पाई बाय 4 ये वाला 2 अंदर एडजस्ट हो जाएगा इज इक्वल टू 1 एंड दिस बिकम 2 cos पाई बाय 4 इज 1 अपॉन रूट 2 cos x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इंप्लाइज cos x माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू ये रूट 2 हो जाएगा रूट 2 एंड रूट 2 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1 अपॉन रूट 2 और 1 अपॉन रूट 2 वैल्यू होती है cos पाई बाय 4 की तो देखिए सेम आया जैसे आपके पास यहां पे आया था दिस टर्म देखिए यही सेम टर्म आपके पास यहां पे आ गई तो इसी से हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 एंड 2n पाई n बिलोंग्स टू इंटीजर तो इट इज टोटली अप टू यू कि आप किस मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पार्ट भी इसी तरह का है तो वी कैन राइट cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू माइनस वन वन अपॉन रूट टू से यहाँ पे आपके पास फिर से ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू सी की टर्म है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन मीन्स रूट टू तो रूट टू से डिवाइड कर दीजिए रूट टू कॉस एक्स माइनस वन अपॉन रूट टू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू दिस वी कैन राइट कॉस पाई बाय फोर कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाय फोर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट टू एंड दिस इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई दैट इज कॉस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू कॉस पाई बाय फोर आपके पास वन अपॉन रूट टू होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है कॉस तो कॉस पाई माइनस पाई बाय फोर ये आपका माइनस वन अपॉन रूट टू होगा मीन्स थ्री पाई बाय फोर कॉस थ्री पाई बाय फोर Then this implies x plus pi by 4 is equal to 2n pi plus minus 3 pi by 4. That is, this implies x plus pi by 4 is equal to 2n pi plus 3 pi by 4 or x plus pi by 4 is equal to 2n pi minus 3 pi by 4. इससे previous question में हमने ये step direct कर दिया था. अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसे
एक्सपेंड करके करते हैं तो 2n पाई, ये पाई बाय 4 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, तो 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 मीन्स 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2, और x इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 3 पाई बाय 4 माइनस का 4 पाई बाय 4 मीन्स माइनस का 4 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 मीन्स 2n पाई माइनस पाई. तो दिस इज अवर आंसर, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 कॉमा 2n पाई माइनस पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर. और इसी क्वेश्चन को, जो ये आपके पास क्वेश्चन था cos x माइनस साइन x प्लस 1, सेकेंड मेथड cos x माइनस साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यू कैन राइट दिस एज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, को यू कैन राइट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, और पाई बाय 2 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं, ये प्लस का साइन यहां एडजस्ट कर दीजिए, इज इक्वल टू माइनस 1. और यहां पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, एंड दिस इंप्लाइज 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 1 अपॉन 2 एक्स प्लस वाई एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस एक्स, एंड कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 1 अपॉन 2 एक्स माइनस वाई मीन्स एक्स माइनस वाई है आपके पास पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये बाहर माइनस था तो दोनों माइनस हो गए, इज इक्वल टू माइनस 1. तो 2 कॉस दिस एक्स प्लस एक्स 2x, 2x प्लस पाई बाय 2 मीन्स एक्स प्लस पाई बाय 4, ये वाला 2 हमने अंदर एडजस्ट कर दिया, और कॉस इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, कॉस माइनस पाई बाय 4, कॉस माइनस पाई बाय 4 इज कॉस पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1, एंड 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 इज 1 अपॉन रूट 2, कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज दिस इंप्लाइज कॉस एक्स प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 2. तो देखिए ये वहीं पे आ गया आपका दिस पार्ट, माइनस 1 आया था, इसको वी कैन राइट कॉस एक्स कॉस 3 पाई बाय 4. तो देखिए ये जो टर्म थी आपके पास, ये टर्म यहां पे आ गई, तो इसके बाद डायरेक्ट आप लोग सेम रहेगा. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो थर्ड पार्ट भी इसी तरह का है. तो दिस रूट 3 थर्ड पार्ट है इसका, रूट 3 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1, हियर ए इज इक्वल टू रूट 3 एंड बी इज इक्वल टू 1, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 3 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 4 दैट इज 2, तो रूट 3 बाई 2 ऑफ कॉस एक्स माइनस 1 बाई 2 ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. रूट 3 बाई 2 वी कैन राइट दिस इज कॉस ऑफ पाई बाय 6 कॉस एक्स माइनस 1 बाय 2 साइन में साइन 30 मीन्स साइन पाई बाय 6 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2, एंड दिस इज कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई दैट इज कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू, एंड दिस 1 बाय 2 इज कॉस ऑफ पाई बाय 3, एंड दिस इंप्लाइज एक्स प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, एंड दिस इंप्लाइज एक्स प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस पाई बाय 3, और x प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 एन पाई माइनस पाई बाय 3. इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो बहुत सिंपल था, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, देन एक्स प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 3. एक बार पाई बाय 6 को प्लस के साथ एडजस्ट किया, एक बार माइनस के साथ एडजस्ट किया, थोड़ा सॉल्व किया तो वी गॉट दिस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 2 sec x प्लस 10 एक्स इज इक्वल टू 1, देन दिस वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ cos x प्लस sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1, एंड दिस इंप्लाइज रूट 2 प्लस sin x इज इक्वल टू cos x, दैट इज दिस इंप्लाइज cos x माइनस sin x इज इक्वल टू रूट 2. तो देखिए वही फॉर्म आ गई आपके पास, तो अब आपके पास कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन राइट दिस कॉस एक्स, देखिए ये फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड में दोनों पैरेलल लेके चलते हैं, इसमें आप कर दीजिए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, को वी कैन राइट कॉस पाई बाय 4 पाई बाय 2 प्लस एक्स,
कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू रूट टू, तो प्लस करते साथ ये माइनस का साइन भी आपका एडजस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, और अदरवाइज वन अपॉन रूट टू, यहाँ पे ए की जगह भी वन है, बी की जगह भी वन है, वन अपॉन रूट टू से आप डिवाइड कर दीजिए, वन अपॉन रूट टू साइन एक्स इज इक्वल टू वन, एंड दिस वी कैन राइट कॉस पाई बाय फोर कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाय फोर साइन एक्स इज इक्वल टू वन, एंड दिस इज कॉस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू वन, और वन कॉस में वैल्यू होती है कॉस जीरो की, दैट इज एक्स प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू टू एंड पाई प्लस माइनस जीरो, दैट इज एक्स प्लस पाई बाय फोर इज इक्वल टू टू एंड पाई, दैट इज एक्स इज इक्वल टू टू एंड पाई माइनस पाई बाय फोर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, बहुत सिंपल है। तो सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस रूट थ्री, तो वन अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस रूट थ्री, दैट इज वन इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस रूट थ्री साइन एक्स, दैट इज कॉस एक्स प्लस रूट थ्री साइन एक्स इज इक्वल टू वन। अब अंडर रूट ऑफ, देखिए फिर से वो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू सी की फॉर्म है, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की जगह वन है, बी की जगह रूट थ्री है, तो वन का स्क्वायर वन प्लस रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, मीन्स अंडर रूट ऑफ फोर दैट इज टू, तो टू से हर टर्म को डिवाइड कर दीजिए, तो वन अपॉन टू ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट थ्री अपॉन टू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू वन। दिस इंप्लाइज वन अपॉन टू कॉस में वैल्यू होती है हमारे पास कॉस पाई बाय थ्री कॉस एक्स, रूट थ्री बाय टू साइन में वैल्यू होती है साइन पाई बाय थ्री साइन एक्स इज इक्वल टू वन, दैट इज दिस इज कॉस एक्स माइनस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू, एंड दिस इज टू से जब आपने डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी आपके पास टू आएगा वन अपॉन टू, जब आपने टू से डिवाइड किया है तो ये भी टू आएगा वन अपॉन टू, एंड वन अपॉन टू इज कॉस ऑफ पाई बाय थ्री, एंड दिस इज एक्स माइनस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाय थ्री, एंड दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस पाई बाय थ्री, और एक्स माइनस पाई बाय थ्री इज इक्वल टू टू एन पाई माइनस पाई बाय थ्री, दैट इज दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस टू पाई बाय थ्री, और x इज इक्वल टू टू एन पाई, और यहाँ पे देखिए आपके पास जो टर्म है वो है cot x की, जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है उसमें cot x है, और cot x जो है दिस इज cos x अपॉन sin x, एंड दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई के लिए नहीं होगी तो टू एन पाई के लिए भी नहीं होगी, इट मीन्स कि जो ये टू एन पाई आपके पास है ये पॉसिबल नहीं है इसका सॉल्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस टू पाई बाय थ्री, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज अवर सॉल्यूशन बिकॉज x इज इक्वल टू टू एन पाई इज नॉट पॉसिबल। तो आज हम लोगों की एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.8 यहाँ पे कंप्लीट हम लोगों ने सॉल्व करी है। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट समझेंगे और एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.9 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।